नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बिहार की राजनीति, जहां देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश में लगी हुई है, नीतीश कुमार लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि एनडीए गठबंधन को कैसे इंडिया गठबंधन से जोड़ करके और मात दी जाए। 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। हालांकि यह ट्विस्ट पहले से ही चल रहा था, भले ही ये दिख नहीं रहा हो। कभी कभी होता क्या है ना कि नंगी आंखों से बहुत कुछ नहीं दिखता है जो होते रहता है। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में हो रहा है, जहां एक तरफ देश की राजनीति में एक बड़ा अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, कांग्रेस सहित वाम दल सभी लगे हुए हैं। देश भर से जो गैर भाजपाई दल है उनको जुटाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि यही मौका है जब आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। परिस्थितियां भी बन रही हैं और कांग्रेस बहुत आशान्वित है। आशान्वित तो नीतीश कुमार भी कम नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के आशान्वित होने में और फैक्ट में बहुत अंतर नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को ऐसा लगता कि नरेंद्र मोदी को इस बार चुनाव में हरा देंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके और खुद उसको लीड करते, कहते कि मैं लीड करूंगा और आप आगे बढ़िए। लेकिन यहां तो समस्या सबसे बड़ी फंसी हुई है बिहार में। बिहार में इस तरह की समस्या फंसी हुई है कि बिहार में ये जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे की रणनीति और राजनीति आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो देश में एकजुटता की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं, उनका तो स्थिति अपने ही खराब है। आपस में क्लेश है, आपस में एकजुटता नहीं है, ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसको मात देगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी तरह से उलझ गई हैं। आपको याद होगा 2019 का चुनाव, 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार दूसरे खेमे में थे। वहाँ से जब नीतीश कुमार 2022 में लौट करके महागठबंधन की तरफ आए तो इन सब चीज़ों पर गौर नहीं किया गया था ऐसा लगता है, क्योंकि अगर इन सब बातों पे गौर किया जाता तो आज ये समस्याएं नहीं होती। आपको याद है कि 2019 के चुनाव में महागठबंधन वर्सेस एनडीए हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार को 17 सीटें प्राप्त हुई थी। समझौते के तहत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया था कि वो 50-50 का फॉर्मूला लागू करे और उस 50-50 के फॉर्मूले में भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 सांसदों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। तब जाकर के नीतीश कुमार को 17 सीटें मिली थी, जिसमें से 16 वो जीत करके आए थे। अब इस आंकड़े को यदि आप गौर से देखें तो सबसे बड़ा पेंच इन्हीं आंकड़ों में है और इन 16 सीट जीते हुए सीटों में से 14 सीटों पे मामला अटका हुआ नजर आ रहा है। इन 14 सीटों में सबसे बड़ी दावेदारी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की है। वाम दलों को भी इसमें से प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीती हुई जो 16-14 सीटें हैं 16 में से, उन सीटों पे कड़ी टक्कर देने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तैयार नजर आ रही है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार इन 14 सीटों को छोड़ने के लिए राजी हो जाएंगे? इनमें से अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहां दूसरे नंबर पर रही राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अब इस बार उन सीटों पर नीतीश कुमार के साथ जुड़ करके फतेह हासिल करना चाहती है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच है। नीतीश कुमार अपनी जीती हुई सीटों को उसी अंदाज में रखना चाहते हैं जबकि वो बाकी की शेष सीटें हैं उसमें भिड़ंत भारतीय जनता पार्टी से करना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों इस बात को समझ रहे हैं कि कई सीटें हैं जिसमें से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यदि 15-15 का भी तय होता है तो नीतीश कुमार को 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना होगा, क्योंकि जितनी जितनी सीटें सबको मिलेगी उसी अनुपात में उसे भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो एनडीए घटक दल हैं उनसे लड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को इन 14 सीटों पे, जिसमें से आरजेडी के विरुद्ध जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें से 8 सीटें हैं और कांग्रेस के विरुद्ध 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों में से एक सीट जीत करके आई थी कांग्रेस और बाकी की 5 सीटों पर जीत दर्ज किया था जदयू ने, नीतीश कुमार ने। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की 8 में से 8 सीटों पे हार हुई थी और नीतीश कुमार की जीत हुई थी। अब जो सामने नजर आ रहा है उसमें जो 8 सीटें हैं जिसमें जहानाबाद, अगर जहानाबाद की बात करें तो इसमें हार जीत का आंकड़ा बहुत कम था। बात करें भागलपुर की तो यहां भी दावेदारी निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल अपनी रखेगी ही रखेगी, क्योंकि इससे पहले उस सीट उसके पास रहा है। अगर सिवान की बात करें तो सिवान में भी
एक लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल रही है और पिछले चुनाव में जिस तरह से सब कुछ हुआ वो देख करके इस सीट पर कहीं ना कहीं उम्मीदवारी और दावेदारी राष्ट्रीय जनता दल अपना रखना चाहती है। बात करें सीतामढ़ी की तो यहाँ भी तैयारी वही चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि बांका की सीट, गोपालगंज की सीट, ये दोनों सीटें राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि मधेपुरा और झंझारपुर की सीट भी है जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अपना हक जमाएगी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए इन जीती हुई सीटों पर मुश्किल होगा सर्वाइव करना और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यहीं आकर फंसता नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ अगर देख लें तो कांग्रेस भी इसके लिए तैयार है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग है वो नीतीश कुमार की ट्यूनिंग से ज़्यादा बेहतर है। ऐसी स्थिति में आप एक चीज़ तो साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ जिन सीटों पर लड़ाई हो रही थी, वाल्मीकि नगर, मुंगेर, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इसमें से किशनगंज की एक सीट जो है वो कांग्रेस ऑलरेडी जीत चुकी है। बाकी की जो 5 सीटें हैं जिसमें वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर पारंपरिक सीट मानती है कांग्रेस अपना, तो वहीं मुंगेर की सीट भी इस बार फिर से देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि इसमें बहुत मजबूत दावेदार हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, तो इस सीट पर हो सकता है कि कांग्रेस दावा नहीं ठोके। लेकिन सुपौल की सीट पर दावा उसका मजबूत बन रहा है क्योंकि रंजीता रंजन तब जीती थी जब भारतीय जनता पार्टी का तूती बोल रहा था। इसके बाद पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में भी इस बार खेल बदल सकता है। बात किशनगंज की करें तो यहाँ तो ऑलरेडी वो जीती हुई है, लेकिन कटिहार में बहुत मजबूत दावेदार तारिक अनवर हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसे देती है उसे लड़ाई लड़नी होगी। तो इस लड़ाई में कांग्रेस चाहेगी कि वो खुद लड़े क्योंकि ये भी सीट उसकी लंबे समय से पारंपरिक रही है। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा मामला उलझ रहा है और इन 14 सीटों को लेकर के साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस में पेंच फंस गया है। अभी इस पेंच में कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को ये 14 सीटें छोड़नी होगी और दावेदारी समाप्त करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बड़ा कठिन होगा और उनके जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए भी कठिन होगा। देखना दिलचस्प होगा कि इसको कैसे निपटते हैं नीतीश कुमार, या फिर जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि खेल भंडोल होगा वही होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।